नमस्कार, SW24 न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में मेहमान के रूप में श्री श्याम सुंदर तिवारी जी मौजूद हैं। श्याम सुंदर तिवारी जी का फिलहाल अभी एक गीत संग्रह है ना सर, गीत संग्रह आया है, मैं किन सपनों की बात करूं। इस गीत संग्रह पर तिवारी जी को पहली पोथी सम्मान से भी नवाजा गया है। राजस्थान से दिया जाने वाला पहली पोथी सम्मान मध्य प्रदेश के पहले किसी साहित्यकार को मिला हुआ सम्मान है। तो हमारे बीच में मौजूद हैं श्याम सुंदर तिवारी जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत धन्यवाद आसिफ भाई। बहुत धन्यवाद आसिफ भाई, मैं आपने यहाँ मुझे बुलाया, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे, पहली पोथी जो सम्मान मिला है आपको राजस्थान से, तो ये सम्मान क्या है और किस तरह दिया जाता है? जी, ये नूतन पहल फाउंडेशन जयपुर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मान है जो उनके द्वारा शुरू किया गया है, और सन 2020 का ये सम्मान मुझे मेरी जो पहली पुस्तक आई है, मैं किन सपनों की बात करूं जी, इस पुस्तक पर दिया गया है, जिसमें वो 11,000 रुपये साल श्रीफल और वहाँ राजस्थान में बुलाकर यानी जयपुर में वो सम्मान करेंगे स्थितियाँ सामान्य होने पर। सर, ये जो सम्मान आपको मिला है ये संभवतः मध्य प्रदेश में पहले किसी साहित्यकार को दिया हुआ सम्मान है जी, ये जानकारी सही है मेरी? बिल्कुल सही है, पहली बार ही यहाँ किसी को मिला है। सर, ये जो सम्मान है ये इसलिए दिया जाता है कि 60 वर्ष की उम्र के बाद अगर कोई लेखक अपनी पुस्तक प्रकाशित करता है तो उसे इस सम्मान से नवाजा जाता है। जी, तो इस बारे में थोड़ा सा आप बताइए। जी जी, उन्होंने ये इस तरह का विज्ञापन ही दिया था, और वो भी केवल फेसबुक पर दिया था जी, कि ऐसे साहित्यकार, ऐसे लेखक और कवि जिनकी पुस्तकें उनकी 60 वर्ष की उम्र के बाद आई हों जी, और वो पहली पुस्तक जी जी, वही पुस्तक वो भेजें, और जो रूल्स के उस हिसाब से, जो नियम थे उसके हिसाब से मैंने उनको पुस्तक भेजी थी, और करीब फरवरी में भेजी थी, मैं भूल भी गया था जी ये पुरस्कार मुझे मिलना है, लेकिन मैं उनको बहुत धन्यवाद करूँगा, नूतन इनिशिएटिव को, कि उन्होंने बहुत ही निष्पक्ष रूप से इसमें निर्णय लिया, और बड़े साहित्यकार नंद भरद्वाज जी और डॉक्टर सत्यनारायण जैसे बड़े दिग्गज राजस्थान के साहित्यकारों ने, मैं ये साहित्यकार उसकी ज्यूरी थे। बहुत अच्छी बात है। सर, आपकी जो पुस्तक आई है ये ऑनलाइन भी खूब चल रही है, तो ये ऑनलाइन बाज़ार में भी उपलब्ध है? जी जी, ये फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है, मैं किन सपनों की बात करूं जी, ये अमेजॉन पर उपलब्ध है, ये प्रकाशन पर भी उपलब्ध है, और आप जब चाहें तब इसको मुझसे कहकर भी बुलवा सकते हैं। बिल्कुल बुलवाएंगे सर, एक पुस्तक तो हमें उम्मीद है कि आपसे मिल ही जाएगी। बिल्कुल। दूसरा है सर, इसके ये जो आपकी पुस्तक है ये गीतों पर आधारित है? जी जी, ये पूरी गीत, मैं चूंकि मूलतः गीतकार हूँ जी, और इसमें करीब 65 गीत मेरे संकलित हैं जी, जो मेरे पिछले 2 वर्षों की मेहनत है। सर, कोई पसंदीदा गीत इसमें से ऐसा है जो आप यहाँ सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं चाहूँगा, आपके आप चाह रहे हैं तो इसका जो शीर्षक गीत है, मैं किन सपनों की बात करूँ जी जी जी, वो मैं आपको सुना देता हूँ। जी अवश्य सर। कुछ पंक्तियाँ मैं इसकी सुना दे रहा हूँ आपको जी, कि मैं किन सपनों की बात करूँ, सपने तो आते जाते हैं, मैं किन सपनों की बात करूं, वाह वाह, सपने तो आते जाते हैं, एक छोर सवेरा होता है, एक छोर सवेरा होता है, दूजे तट काली रातें हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सपनों की बात करूं। और कुछ पंक्तियां सुना देता हूं इसमें जी जी, जो सामयिक हैं जी, कि दुनिया जैसे बाजार हुई, दुनिया जैसे बाजार हुई, सच की सबसे है ठनी हुई, सही बात है, सही बात, सच की सबसे है ठनी हुई, फैला है धुआं हवाओं में,
ज्वाला है मन के गाँव में, मैं किन अपनों की क्या क्या बात है, वाह वाह वाह, मैं किन सपनों अपनों की बात करूं, अपने ही छल कर जाते हैं, अपने ही छल कर जाते हैं, मैं किन सपनों की बात करूं, क्या क्या बात है, वाह 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 वाह, तो आते जाते हैं। बहुत बहुत सुंदर गीत है सर, हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो इसी तरह के और भी बहुत से सुंदर से गीत उन्हें पढ़ने को मिलेंगे जिन्हें वो गुनगुना भी सकेंगे। जी सर, हम बात कर रहे हैं फिलहाल जो कोरोना काल के बाद में साहित्य की जो स्थिति हुई है, लंबे समय से कोई गोष्ठी नहीं हुई है, कोई सम्मेलन नहीं हो रहे हैं, ऐसे में साहित्यकार कुछ नया कर रहे हैं क्या अपने? हम देखिए, ये आप सही कह रहे हैं कि कोरोना काल में फिजिकली मतलब भौतिक रूप से गोष्ठियाँ नहीं हुई हैं। जी लेकिन वर्चुअल गोष्ठियाँ बहुत चल रही हैं जी, हर चैनल पर, फेसबुक पर जी, और आपस में जो संस्थाएं हैं, जैसे मैं साहित्य संवाद संस्था का सदस्य हूं जी जी, तो गोष्ठियाँ निरंतर चलती हैं। और इस समय में जब लोगों को समय मिला है, लोगों ने लिखा भी बहुत है और बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है लोगों ने सर। और ये भी माना जा रहा है कि कोरोना जब ख़त्म होगा, या तो अभी मान के चले अभी ख़त्म हुआ है, बहुत कम स्थिति बच गई है, मतलब बाद में हो सकता है कि बाढ़ सी आ जाए पुस्तकों की। जी जी, अभी भी बहुत सारी पुस्तकें छप रही हैं, जहाँ से ये पुस्तक निकली है शिवना प्रकाशन, वहाँ से कोरोना काल के बाद जो कोरोना में तैयार मैटर था लगभग 60 पुस्तकें निकल गई। ओहो, तो पुस्तकें लगातार छप रही हैं, शुरू हो गई हैं और बहुत सारी पुस्तकें आने वाली हैं। जिस तरह आपदा में अवसर खोजने वाली बात थी, तो आपदा में अवसर के लिए लोगों ने बाज़ार तो खोल ही लिए, ऑनलाइन बाज़ार खुल गए सब तरह के, तो इसी तरह साहित्यकारों ने भी इस आपदा में अवसर ढूंढा और घर में बैठ करके अपने साहित्य को नई ऊँचाइयाँ दी हैं, ऐसा मान रहे हैं? मैं मानता हूँ ये, क्योंकि उनको सोचने का, समझने का और पढ़ने का बहुत अच्छा अवसर मिला। मैं समझता हूँ कि कभी भी किसी बुराई में भी अच्छाई होती है, कोरोना ने बहुत कुछ देखे गया है, बहुत कुछ लेके गया है, तो बहुत कुछ देखे भी गया है। सर जैसे मोबाइल के आने के बाद पुस्तकों का, किताबों का विक्रय कम हुआ है, या उसके पढ़ने वाले लोग कम रहे हैं या कम हुए हैं, ऐसा मानते हैं आप? हाँ, प्रभावित तो हुई हैं पुस्तकें जी, लेकिन मैं समझता हूँ कि पढ़ने वाले और लिखने वाले लोग बढ़े भी हैं। जी जी, आज मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे लगातार, अखबारों में जी, कि बहुत नए लड़के लड़कियाँ, बहुत सारे नए रचनाकार जी आ रहे हैं और लिख भी रहे हैं। लेकिन मैं एक आग्रह आपके चैनल के माध्यम से नए लिखने वालों को करना चाहता हूँ कि पढ़िए जी, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने के लिए तो सर अब देखा जाए तो बहुत सारे मंच उपलब्ध हो गए हैं, जैसे अब आपकी पुस्तक भी ऑनलाइन उपलब्ध हो गई है, तो ये पढ़ने को भी मिल जाती है वहाँ पर लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी तरह दूसरे और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जो पुस्तक को, अच्छी अच्छी किताबों को डाउनलोड कर रहे हैं जी, मतलब अपलोड कर रहे हैं और उसे पढ़ा जा रहा है, तो इससे साहित्य को, हम अगर ये देखा जाए तो एक साहित्य को नया नई ऊँचाई मिलेगी, एक नए मापदंड स्थापित होंगे क्या यहाँ पर? बिल्कुल होंगे, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि जो आपको पुस्तक या साहित्य जी चैनल ये ऐप के माध्यम से मिल रहा है, उसके बजाय आप फिजिकली पुस्तकें लाइब्रेरी में पढ़ें, पुराने साहित्यकारों को देखें जिन्होंने बहुत श्रम किया है जी, और बहुत हिंदी को बहुत ऊंचाइयां दी हैं, या जो भी भाषा में जो लिखा जा रहा है जी, वो भाषा को जो ऊंचाइयां जिन लोगों ने दी हैं उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। मतलब सर के कहने का एक सीधा सा तात्पर्य यह है कि अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप किताब ही पढ़िए, उसे ऑनलाइन ना पढ़ें। हालांकि ऐसा भी नहीं कह रहे हैं सर कि ऑनलाइन नहीं पढ़ना है, लेकिन किताबें खरीदना ज़रूर है। किताब जब तक खरीदेंगे नहीं तो साहित्यकार के हौसले बुलंद नहीं होंगे, वो आगे लिखने के लिए और प्रेरित होंगे। अगर लोग लिखना बंद कर देंगे इस भय में आकर के कि यार इसे पढ़ेगा कौन, किताब तो बिकती नहीं है, तो सर इस तरह का सवाल कभी आपके मन में भी आया? आपने बहुत लंबे समय से आपने साहित्य किया है, आप पिछले 40 सालों से साहित्य को समर्पित है, कविताएं, गीत लिख रहे हैं, लेकिन इतने लंबे समय बाद आपने पुस्तक निकालने का मन बनाया, ऐसा क्यों किया? देखिए क्या होता है कि हमारी सेवाओं की भी एक अलग व्यथा है जी। मैं बैंकर था जी, तो पिछले जब तक 35 वर्षों तक मैं सेवा में रहा जी, कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं अपने लेखन को एकत्र कर सकूं, उसको संवार सकूं, उसको संपादित कर सकूं और फिर छपवा सकूं जी। उत्साहित करने के लिए तो बहुत सारे लोग थे, नीरज जी थे, डॉक्टर बच्चन ने मुझे उत्साहित किया, सनस्सी में जी, उन्होंने जी। मुझे पत्र भी लिखे जी,
और उन्हीं की बदौलत मैंने बहुत सारा कुछ पढ़ा जी। लेकिन एक समय ऐसा चाहिए जो कि आपको लगे कि अब ये परफेक्शन है जी जी जी, उसी वक्त कोई पुस्तक छपना चाहिए। मतलब इस परफेक्शन को, इस परफेक्शन को आने में बहुत समय, मतलब आप चाहते थे कि आप जब तक के पूरी तरह निखर ना जाए तब तक के पुस्तक के रूप में बाजार में ना आए। हाँ, जो आपका लिखा हुआ गीत है लोगों को एक बार में अट्रैक्ट करना चाहिए जी। इसके बाद उसका हिंदी इतना सशक्त होना चाहिए जी कि लोगों को लगे कि इसमें कुछ है जी। बिल्कुल, खंडवा की जो भूमि है वो साहित्य के लिए बहुत उर्वरक मानी गई है। शुरुआत से ही यहाँ पर दादा माखनलाल जी चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी यहाँ की बहू थी, इसी तरह के बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो दशकों से चले आ रहे हैं। दशकों के हम अगर सदियों की बात करें तब भी खंडवा का नाम साहित्य में उतना ही ऊंचा था जितना आज है। बिल्कुल, तो आज हम अगर साहित्य की बात करें तो खंडवा का साहित्य राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ पर है इस समय? देखिए, खंडवा में बहुत अच्छे राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार हैं, जैसे डॉक्टर श्रीराम परियार हैं जी, शैलेंद्र शरणा इन दिनों बहुत अच्छा लिख रहे हैं जी, डॉक्टर प्रताप राव ने भी बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं जी। इसके अलावा भी कुछ लोग हैं, जैसे दिनेश शुक्ल का जो नाम है, मैं उनका उनको नमन करना चाहूँगा। बहुत ही सुंदर यहाँ के गीतकार, दोहे लिखे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा, बहुत बढ़िया दोहे, मतलब ऐसे दोहे हिंदुस्तान में मैं नहीं समझता, मैंने देखे नहीं जी। एक नाम है प्रभु त्रिवेदी का, और भी दो तीन नाम है, लेकिन उनका नाम खंडवा से लिया जाना चाहिए जी। इसके अलावा डॉक्टर गोविंद गुंजन साहब जी, ये बहुत ही खंडवा के एक्सक्लूसिव जी 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 अप्रतिम कवि हैं जी। और अभी उनकी नई पुस्तक आई है सौंदर्य लहरी, गोविंद गुंजन जी की, आप देखते रह जाएंगे, पढ़ते रह जाएंगे। ललित निबंध में भी उनका मतलब अच्छा खासा दखल बहुत है, बहुत अच्छा दखल है उनका ललित निबंध में। एक नाम और बोल रहे हैं आप, कैलाश मंडलेकर जी हैं यहाँ पर। कैलाश मंडलेकर जी स्पेशल व्यंगकार हैं जी, मेरे मित्र हैं, मेरे सहपाठी रहे हैं जी, और इसीलिए मैं चाहता था कि उनका नाम अलग से आखिरी में लूँ। हालांकि बहुत सारे नाम ऐसे खंडवा में हैं जो राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खंडवा का नाम रोशन कर रहे हैं। साहित्य में ले लें अगर हम, साहित्य में है गीत है, गज़ल है, गज़लों में उर्दू के बहुत अच्छे शायर खंडवा से हुए हैं, आज भी बहुत अच्छे शायर हैं, लेखक हैं, जो खंडवा में रह रहे हैं और यहीं से साहित्य और अदब की खिदमत कर रहे हैं जी। जी, अभी मैं दो नाम उर्दू के भी लेना चाहूँगा जी, एक तो सूफियान काजी का जी, और डॉक्टर हबीब हुआव का जी, बहुत सुंदर लेखन कर रहे हैं। हबीब, डॉक्टर हुआव साहब ने तो इतने बढ़िया दोहे लिखे हैं जी, जी। क्या कोई हिंदी भाषी लिखेगा? सही बात है। डॉक्टर सफदर रजा खंडवी साहब भी खंडवा में, उन्होंने सफदर रजा जी ने उसके पहले जी, बड़ा नाम है उनका भी। तो अभी तो इतने नाम है कि हम पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, नाम खत्म नहीं होंगे। हाँ, नाम मतलब हमारा निवेदन है हमारे शहर के सभी साहित्यकार और शायरों से कि किसी कोई भी इसे अन्यथा ना ले। अब ये तो बात चल रही है तो बात बात में कुछ नाम निकले हैं तो वही मैं उनसे सबसे क्षमा चाहता हूँ जिनका नाम नहीं लिया हो। और वैसे एक नाम मैं लेना चाहूँगा कि गोविंद शर्मा जी यहाँ सारे साहित्यकारों को समेट रहे हैं जी जी जी, और एक बड़े संयोजक का काम कर रहे हैं, वो एक बड़ा काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने उनका नाम लिया। बाकी सारे लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं। संयोजक के रूप में अगर हम बात करें तो शरद जैन भी मतलब ऐसे व्यक्तित्व हैं जो वो कलाकारों को, सारे साहित्यकारों को कला को अपने आप में समेटे हुए हैं और सबके साथ में मिल करके लगातार काम कर रहे हैं। नट निर्माण के माध्यम से वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जी, शरद भैया को बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो भी। तो आपको लगता है खंडवा में कोई ऐसे नए उभरते नाम हैं जो आपकी निगाह में आए हों, साहित्य के क्षेत्र में जा रहे हों या शायरी के क्षेत्र में जा रहे हों, उर्दू अदब से जी जी बिल्कुल। अभी लघु कथा लिख रही हैं दर्शना जैन जी, बहुत अच्छी लघु कथा लिख रही हैं, उनका संकलन भी, उन संकलन में उनकी लघु कथाएँ आई हैं। इसके अलावा कविता में संतोष तिवारी जी बहुत अच्छे गीत लिख रहे हैं जी, रश्मि स्थापक जी अच्छी कविताएँ लिख रही हैं जी। मैंने कुछ नाम लिए जी जी, मैंने पहले ही क्षमा मांग रहा हूँ सारे साहित्यकारों से जिनके नाम नहीं लिए, वो अन्यथा ना लें, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छी यहाँ का साहित्य का जो भविष्य है जी खंडवा का, वो बहुत ही अच्छा है। कोरोना काल के बाद में जैसा कोरोना खत्म होने की ओर है, धीरे धीरे बाज़ार खुल गए हैं, लोग अब तो बिना मास्क के भी घूमने लग गए हैं, हालांकि ख़तरनाक है ये, हम इसका समर्थन कतई नहीं करते, ना ही हमारा चैनल इस बात का समर्थन करता है। हम सभी से निवेदन करते हैं कि सुरक्षित रहें, मास्क लगा कर रहें, पूरी सावधानी के साथ में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तो सर, जैसे कोरोना काल खत्म होता है तब साहित्य की गतिविधियां खंडवा में तेज़ होने की उम्मीद है? पूरी उम्मीद है, सब लोग बैठे हैं मिलने के लिए, सुनने के लिए, सुनाने के लिए। मैं चाहूँगा सर हमारे दर्शकों को आप एक आध और गीत सुनाएं और इसी के साथ हम अपनी बात का समापन करेंगे।
जी जरूर, एक नया गीत सुना देता हूँ मैं आपको, कुछ पंक्तियाँ उसकी सुना देता हूँ। ये सुनिएगा कि पेड़ों पर धूप उतर आई, पेड़ों पर धूप उतर आई, बहे जब पसीने के रेले, तने संग लिपट गई छांव, बहे जब पसीने के रेले, तने संग लिपट गई छांव। क्या कल्पना है, वाह। खेतों में चलते हैं जश्न, हर्षित हुआ पूरा गांव, भरने लगी कोठी अन्न, हाथ लिए कुड़ा और पाई। क्या बात है, क्या बात है। पेड़ों पर धूप उतर आई। और दिवाली से संबंधित इसका एक चार लाइन और मैं चाहूंगा क्या सुने। दिवाली का अवसर भी है सर, अभी कल ही दिवाली भी थी। पेड़ों पर धूप उतर आई, सजती हैं दीप मालिकाएं, नयनों में बसे सुखी सपने। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। सजती हैं दीप मालिकाएं, नयनों में बसे सुखी सपने। वाह। बाट जोहते थे ये जिनकी, घर आए त्योहार अपने। क्या बात है, क्या बात है। कोरोना का घर आए त्योहार अपने। जी जी जी। खुशी बांध पल्लू में नाचे, मंद मंद हंसती है माई। क्या बात है, वाह 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 सर, बहुत बढ़िया। खुशी बांध पल्लू में नाचे, मंद मंद हंसती है माई, पेड़ों पर धूप उतर आई। वाह 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 वाह, बहुत बहुत बढ़िया सर, मतलब धन्यवाद कहेंगे हम आपको, आप हमारे दर्शकों के लिए इतने सुंदर से गीत लेकर के आए हैं। आपकी पुस्तक का विमोचन हो चुका है। जी जी, ये अभी विमोचन नहीं हुआ, यही मैं चाहता हूँ कि चैनल पर ये पुस्तक दिखाई जाए। क्या बात है, ये पुस्तक है और आज आपके चैनल पर पहली बार इसका विमोचन, आप समझिए कि विमोचन हो रहा है, पूरा प्रदेश इसको देख रहा है। मैं सभी का और इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस पुस्तक के विमोचन के लिए हमारा मंच चुना, आप यहाँ पर आए, हमारे दर्शकों से बात करी, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और मेरी बात को मध्य प्रदेश के सामने रखा, देश के सामने रखा, बहुत धन्यवाद।